का चेहरा देखिए काफी सुर्खियों में है। टेलीविजन के सुनहरे स्क्रीन पर कॉमेडी करते करते राजनीति में कदम रखने के बाद कलाकार व्लोडिमीर जेलेंस्की की किस्मत ने ऐसी उड़ान मारी कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति व्लोडिमीर ने टेलीविजन सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल में उन्होंने एक इतिहास शिक्षक की भूमिका निभाई। इस टेलीविजन सीरीज का शिक्षक किस्मत से एक दिन अपने देश का राष्ट्रपति बन जाता है। रूस जैसे बड़े और ताकतवर देश के हमले के बावजूद यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने जा रहे। इस पूरे फैसले में सबसे बड़ा नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की का है, जो लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और मदद के लिए अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं। लीडर फ्रैक्सी तुत गलवा ऑफिस प्रेसिडेंट तुत प्रीमियर मिनिस्टर श्मगाल तुत पदल्याक तुत प्रेसिडेंट तुत सी मी तुत। व्लोडिमीर जेलेंस्की पूर्व में शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए और अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल्स रखा। अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस राष्ट्रीय नेता को अंतरराष्ट्रीय संकट के केंद्र में ला दिया। फिर से रूस के साथ शीत युद्ध की यादें ताजा हो गईं। बता दें यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्लोडिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन में हुआ था। पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की प्रोफेसर और मां रायमा जेलेंस्की एक इंजीनियर थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद व्लोडिमीर जेलेंस्की को इसराइल में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन पिता की अनुमति न मिलने पर व्लोडिमीर ने यूक्रेन के कीव से अपनी पढ़ाई पूरी की। 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री से ग्रेजुएशन किया।